हाँ है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव के आज अंतिम दिन चित्रकूट, और आज चित्रकूट में जो सभाएं हैं उसमें मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद परसों 21 तारीख को मतदान होगा, और सभी के भाग्य फैसला मतपेटी ने ईवीएम में बंद हो जाएगा। अभी 24 तारीख रिजल्ट आना है। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी कांग्रेस के साथ है, हमको चित्रकूट में भारी सफलता मिलेगी। परिस्थितियाँ कौन सी बदल गई, और आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम तो रमन सरकार ने किया, उसको आदिवासियों को जमीन नहीं देने का फैसला उनका रहा है। हम तो जमीन भी दे रहे हैं, जमीन लौटा भी रहे हैं, और उनके जो लघु अनुपज है उसे खरीद भी रहे हैं। 4000 प्रति मानक और दर से तेंदू पत्ता खरीदे हैं। वहाँ इनके राज्य में 40% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने लगे थे लोग, गरीबों की संख्या बढ़ी है, कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है, एनीमिक महिलाओं की संख्या बढ़ी है। उसके लिए सुपोषित छत्तीसगढ़, सुपोषित बस्तर, सुपोषित छत्तीसगढ़ का अभियान हमने 2 अक्टूबर चलाया है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडेक्स जारी हुए उसमें भारत की स्थिति, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, उससे भी हम लोग पीछे हो गए। तो ये स्थिति देश की है, और उसमें छत्तीसगढ़ आगे बढ़कर, ये इंडेक्स जारी नहीं हुआ उसके पहले ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी।